और अब आपको अपडेट करें, साबिक वजीर दाखला शेख रशीद एक रोज के लिए मरी पुलिस के हवाले कर दिए गए। शेख रशीद को कल 2 बजे दोबारा पेश किया जाएगा। शेख रशीद के खिलाफ थाना मरी में दर्ज मुकदमे का मामला है, जिस पर उनका राहदारी रिमांड आज लिया गया और अब उन्हें मरी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उनसे कोई तफ्तीश नहीं हो रही, सिर्फ उनकी हमदर्दियाँ बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो जेल में हों या बाहर, इलेक्शन लड़ेंगे और इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। कोई तफ्तीश नहीं हो रही। तो शायद आप क्या इलेक्शन अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं? आप अंदर लड़ू या बाहर लड़ू, इलेक्शन लड़ूंगा इमरान खान के साथ। केस के बारे में कोई तफ्तीश नहीं हो रही और तफ्तीश हो रही है, सिर्फ मेरी हमदर्दियाँ बदलना चाहते हैं। आप कोई खास बात? कोई खास बात नहीं। कागजात नामजदगी अभी मैं मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रूटनी में मुझे बुलाया जाए। मुझे उम्मीद है राशिद शफीक ने मेरे कागजात जमा करा दिए होंगे।